वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। अभी मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ उसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, और सवाल ये है कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। अब इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है और आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर 8,848 मीटर्स अराउंड 8.8 किलोमीटर्स की है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें, माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 8 किलोमीटर की है। वहीं पे माउना किया नाम का यह जो पहाड़ है, इस पहाड़ की ऊंचाई करीब 10 किलोमीटर की है। तो जब हमको पता है कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो क्यों हम माउंट एवरेस्ट को ही इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और माउना किया इस पहाड़ की ऊंचाई 10 किलोमीटर है? तो ऐसा क्यों होता है कि हम माउंट एवरेस्ट को फिर भी इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बोलते हैं? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये है कि माउना किया इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन फिर भी हम माउंट एवरेस्ट को इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, जो हम बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, वो ऊंचाई सी लेवल से है, यानी कि समुद्र की सतह से अगर हम ऊपर जाएं तब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8 किलोमीटर तक आती है लगभग। लेकिन अगर हम माउना किया की बात करें तो माउना किया की ऊंचाई सी लेवल से, यानी कि समुद्र की सतह से, उसकी ऊंचाई लगभग 2-3 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये पता चल जाता है कि माउंट एवरेस्ट ही सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है अगर हम सी लेवल से बात करें तो। लेकिन अगर हम एक्चुअल पहाड़ की बात करें कि जहाँ से पहाड़ की शुरुआत होती है और जहाँ पे वो ख़त्म होता है, तब माउंट एवरेस्ट माउना किया से हाइट में कम है। अब वो कैसे? सबसे पहले हम ब्रीफ में ये जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट आखिर बना कैसे। तो हमारी अर्थ में जितना भी टेरेन है, यानी कि इस धरती में जितनी भी ज़मीन है जहाँ पे लोग रहते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है बेसिकली, वो सारे कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं। अब हमारी अर्थ पे टोटल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उन 7 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये पूरी धरती की ज़मीन है। अब होता क्या है कि समय के साथ साथ ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। अगर आपने नहीं भी सुनी तो कहानी ये है कि इस धरती पे पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, यानी कि पहले जितनी भी ज़मीन थी, वो सारी ज़मीन एक साथ जुड़ी हुई थी। पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, जैसे कि आज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। पहले वो सारी ज़मीन एक ही जगह पर जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ साथ जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलने लगी तब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने और हमारा इंडिया वहाँ पे नहीं था जहाँ पे आज हमारा इंडिया है। तो पहले के टाइम में हुआ क्या था, हमारा इंडिया उस बिग कॉन्टिनेंट से अलग होके यूरोएशियन प्लेट, इस टेक्टोनिक प्लेट पे आके टकराया था, जिसकी वजह से एक मैसिव माउंटेन क्रिएट हो गया था। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे एक माउंटेन का क्रिएशन हो जाता है। और जब इंडिया का लैंड मास यूरो एशियन प्लेट से टकराया था लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो, तब उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ था और तभी से माउंट एवरेस्ट सी लेवल से ऊपर ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं माउना किया की। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि इस दुनिया का ज़्यादातर पार्ट पानी से घिरा हुआ है, लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि अगर क्या हो कि हम इस दुनिया में जितने भी समुंदर हैं उन सभी समुंदरों का पानी हटा दें, तो क्या उस जगह पे ज़मीन रहेगी? हाँ, उस जगह पे ज़मीन रहेगी और हमारा समुद्र भी कई सारे पहाड़ों, प्लेट्यूस और अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है और वहाँ पे भी ज़मीन है। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि माउना किया जो पहाड़ है उसका सी लेवल के ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पार्ट है 2-3 किलोमीटर तक का, वो एक वॉल्केनो के रूप में है और उसका ज़्यादातर पार्ट, यानी कि 8 किलोमीटर का पार्ट, ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। ज़मीन के अंदर नहीं, समुद्र के अंदर। अब हम फैक्ट की बात करते हैं, माउना किया जो पहाड़ है उसका ज़्यादातर पार्ट समुद्र के नीचे है और उसका लगभग 2-3 किलोमीटर तक का पार्ट सी लेवल के ऊपर, यानी कि ज़मीन से ऊपर है, जो कि हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। और वो जो पार्ट है 2-3 किलोमीटर तक का ज़मीन के ऊपर, वो एक वॉल्केनो के फॉर्म में है, जिससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है और वहाँ से मैग्मा लावा के रूप में निकलता है। तो माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ नहीं है, इस दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ माउना किया है। लेकिन फिर भी हम माउंट एवरेस्ट को इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पहाड़ सी लेवल के ऊपर है, यानी कि हम उसे ज़मीन के ऊपर 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन माउना किया को हम इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर 10 किलोमीटर तक नहीं है, वो ज़मीन के ऊपर सिर्फ 2 किलोमीटर है और उसका ज़्यादातर पार्ट समुद्र के अंदर है और हम पहाड़ों को सी लेवल से नापते हैं, सी लेवल के ऊपर से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।